योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न, और नीचे प्रॉब्लम लिख के आ रहा है भाई, रिपीटेटिव कंटेंट लिख के आ रहा है, रियूज कंटेंट लिख के आ रहा है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहे हैं तो भाई 100% आप सॉल्व हो जाएंगे। क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है, सब कुछ बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक चीज बारीकी से बताने वाला हूं, मगर वीडियो आपको स्किप नहीं करना है भाई। देखो वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप कर करके वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे डेली पता नहीं कितने डीएम आते रहते हैं। आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, कोई भी फ्रॉड व्रॉड कुछ भी नहीं है भाई, आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। मतलब डेली डीएम आते रहते हैं, क्या आते हैं यहां पे, रियूज और रिपीटेटिव बहुत डीएम आते हैं भाई, और 100% भाई आपके भी चैनल पे ये प्रॉब्लम आ रखी है, तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। अगर नहीं भी आ रखी हो, आप एक यूट्यूबर हो, तो फिर भी आपको क्या करना है, वीडियो बिना स्किप किए वॉच करना है। तो रियूज या रिपीटेटिव, ठीक है, यहां पे जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो ना, तभी ये प्रॉब्लम आती है। वैसे तो जल्दी रेयर केस में ही दिखता है, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तभी ये प्रॉब्लम आती है, या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तब ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रियूज पे मैंने काफी सारे वीडियो बना रखी है, मगर रिपीटेटिव पे नहीं बनाया, तो भाई रिपीटेटिव आपके लिए वीडियो हाजिर है। तो रिपीटेटिव जैसे इसके नाम में ही लग रहा है, रिपीटेटिव मतलब जैसे इसका हिंदी भाषा होता है दोहराना, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको रिपीट कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड हुआ, कोई वीडियो हुआ, कोई भोजन हुआ, कुछ भी हुआ भाई, उसको दोबारा रिपीट करना, उसको क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव बोलेंगे। जैसे सीधा सीधा लिख रहा है, योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न, और नीचे क्या लिख के आ रहा है, रिपीटेटिव कंटेंट लिख के आ रहा है। मैं आपको एक चैनल भी दिखाऊंगा जिसके क्या 40,000 सब्सक्राइबर हो गए, मगर उस पर रिपीटेटिव कंटेंट आ गया भाई। मैं मतलब आपको एक चैनल दिखाने वाला हूं, उसके माध्यम से समझाने वाला हूं कि उस भाई ने क्या गलती किया है और आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक है। जो भाई ने गलती किया है वो आपको गलती नहीं करना है। पहले क्या करूंगा, इंस्टाग्राम पे उनका लाइव दिखा दे रहा हूं, मतलब लाइव उनका चैट दिखा दे रहा हूं। चैट के बाद क्या करूंगा भाई, तब दिखाऊंगा कि नहीं इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो स्किप कर दोगे तो नहीं जान पाओगे। तो यहां क्या करता हूं भाई, डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, आपको इंस्टाग्राम पे ले चलता हूं, यहां पे देख सकते हैं उनके चैट पे ले चलता हूं। इन भाई का नाम देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार, अभी इन्होंने मुझे सुबह ही रिसेंटली मैसेज किया था, तो भाई इनके लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूं। देख सकते हैं यहां पे भाई ने मैसेज किया है, मेरे चैनल पे रिपीटेटिव कंटेंट आया, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं। इसमें सीधा सीधा भाई लिख के बोले हैं, और ये अपने चैनल का क्या किए हैं, लिंक भेजे हैं। यहां पे मैं इनका लिंक ओपन करता हूं, ठीक है, लिंक ओपन करता हूं, और यहां पे भाई इनके चैनल पे जाता हूं। इनके चैनल पे देख सकते हैं एजुकेशन ज्ञान 072, ठीक है, इनके चैनल का नाम है, और करंट में देख सकते हैं 39.3K सब्सक्राइबर, 210 वीडियो है, ठीक है, 210 वीडियो है। अब देखो सोचने वाली बात है कि भाई ने क्या गलती किया है, आपको वो गलती नहीं करना है भाई। आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं, रिपीटेटिव कंटेंट, ठीक है। तो इनके क्या करते हैं, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास अप्लाई के लिए भेजते हो, मतलब यूट्यूब जब आपका मोनेटाइजेशन जो होता है उसको चेक करता है कि नहीं आपके चैनल में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आपका चैनल पैसा कमाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ये जो छोटी छोटी बात है ना, जब यूट्यूब चेक करता है तो क्या देखता है, आपने कभी सोचा है, आपने कभी भी नहीं सोचा, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। छोटी छोटी चीज देखता है, जैसे लेटेस्ट वीडियो हुआ, एक ओल्डेस्ट वीडियो हुआ, एक पॉपुलर वीडियो हुआ, ठीक है। भाई ने जैसा कि शॉर्ट ही बनाया है, अगर आपका शॉर्ट का, लॉन्ग का, कुकिंग का, जो भी चैनल है, सबको क्या कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से चेकआउट कर सकते हो, और ये जो गलतियां कर रखे आपको वो गलतियां नहीं करना है। जैसे इनके चैनल पर रिपीटेटिव आ गया है, तो अब क्या करता हूं, कोई इनका एक वीडियो ओपन कर लेता हूं, यहां पे जैसे पॉपुलर में ही कोई क्या कर रहा हूं, एक वीडियो ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं पॉपुलर में एक वीडियो ओपन कर लिया। अब क्या करना, आपको वीडियो सुनना है, ठीक है। एक तो ये धुन रह गया, अभी ज्यादा मैं सुनाऊंगा नहीं, मेरे पे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, सॉन्ग वाले क्या करेंगे, कॉपीराइट दे देंगे, ठीक है। अब फिर स्क्रॉल करता हूं, सुनना, ठीक है, ये सॉन्ग सुन लो, अब फिर से सुनना, ये वाला सॉन्ग सुनना, सुन लिया आपने, अब फिर बैक करता हूं, सुनना, सुनो सॉन्ग, सुनो सुनो, सबको सुनो। अभी भाई मेरे पे कॉपीराइट आएगा, मैं ज्यादा सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा। देखो भाई 3-4 सॉन्ग यूज किए हैं, पूरी वीडियो में यूज कर लिए हैं, ठीक है। एक तो इनकी ये गलती रही, ठीक है। अब और आगे बताता हूं, अभी सॉन्ग आपको कहां से लेना वो भी बताऊंगा, ठीक है, सब डिटेल में बताऊंगा, और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाऊंगा, ठीक है। अब भाई मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, आपको कान खोल के सुन लेना है, इस गलती को आपको नहीं दोहराना है, ठीक है। जैसे इनके चैनल पे देख सकते हैं एक वीडियो पड़ा है, ठीक है, ये वीडियो पड़ा है, मैं वीडियो क्या करता हूं, चलाता हूं, ठीक है, ये वीडियो चलाता हूँ, मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूते पता है, बचपन, ठीक है, देख, ठीक है, एक वीडियो है ये मतलब एक लेडीज स्पीच दे रही, फनी स्पीच दे रही, ठीक है। और इनके चैनल पे देख सकते हैं, ये भाई मेरी बात सुनो, जैसे देखो एक लेडीज की जिसकी भी वीडियो है, इन्होंने क्या किया, अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आपको क्या करना है, दूसरे का वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालना है, ठीक है, दूसरे का वीडियो अपने चैनल पे जरा भी नहीं डालना है। और आपको बहुत लोग क्या करते हैं पता है,
मिसलीडिंग डेटा मेटा एक मतलब यूट्यूब की पॉलिसी होती है। मिसलीडिंग डेटा मेटा का मतलब यही होता है कि नहीं, आपको अपना टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग चार चीज क्या करना है, सुधार कर लेना है। जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो है, मतलब आपके जो मतलब जो भी वीडियो है, जिस टॉपिक पे वीडियो है उसी टॉपिक पे आपका टाइटल होना चाहिए, टैग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और हैशटैग होना चाहिए। चारों चीज उसी टॉपिक पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो किसी और टॉपिक पे है, हैशटैग किसी और टॉपिक पे लग रहा है। अब जैसे मैं समझाता हूं, अब जैसे आपकी वीडियो है, जैसे सपोज डेट कि गाजर का हलवा कैसे बनाए, आपकी ये वीडियो है। अब टाइटल तो आपने सही लिखा है, गाजर का हलवा कैसे बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग लिख दे रहे हो कि मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, हलवा बनाने का सही तरीका क्या है। भाई आप गाजर का हलवा उसमें बता रहे हो तो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग चारों चीज में आपका गाजर का हलवा कहीं ना कहीं दौड़ दौड़ से घूम के गाजर का हलवा ही आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग एक गलती कर देते हैं, इसका नाम है डेटा मेटा, ठीक है, मिसलीडिंग डेटा मेटा। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे की वीडियो उठा के अपने चैनल पे नहीं डालना, वीडियो स्किप मत करना भाई। देखो पहले से बता रहा हूँ, पूरा फुल वॉच करना, एंड तक बहुत मजा आएगा। और यार अभी तक वीडियो बना प्लीज यार एक लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ऐसे जेन्युइन वीडियो के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरे का वीडियो क्या करना है, नहीं डालना अपने चैनल पे। और एक चीज और इन्होंने गड़बड़ी किया है, पता है क्या गड़बड़ी किया है, जैसे देखो आपको जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है ना, जैसे पीछे वाला ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो मिलता है कॉपीराइट फ्री, आप यूट्यूब से कहीं से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, किसी चैनल से डाउनलोड कर लेते हो, तो भाई वो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक नहीं होता है, ठीक है। आपको ध्यान देकर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड डाउनलोड करके फिर उसके बाद अपने वीडियो में यूज करना है। तो मैंने उस पर ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो, मेरे वीडियो में पड़ी है कि कॉपीराइट फ्री मतलब यहाँ पे म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप जो ये बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है ना, उसको भी आपको क्या करना है, कहीं से कॉपीराइट फ्री लेना है या यूट्यूब से ही ले लेना है, ठीक है। यूट्यूब में जब आप शॉर्ट देखते हो ना, तो वहां पे नीचे सॉन्ग का ऑप्शन देता था, वहां से आप यूज कर सकते हो, वो मतलब बेटर ऑप्शन रहेगा उसके, मतलब कभी भी वो अगर वैसे यूज कर रहे हो तो रिपीटेटिव नहीं आएगा। एंड अब आगे बात आते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, यहां पे एक मतलब इन्होंने जो गलती किया उसको बता रहे हैं कि ये जो मतलब यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग किया है ना, टेक्स्ट टाइपिंग में देख सकते हैं जो मतलब इन्होंने टाइपिंग ये सब किया है, जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट कॉपीराइट फ्री नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं फोटो और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं। तो भाई आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी मतलब इसमें टेक्स्ट वगैरह जो भी लिख रहे हो, आपकी खुद का टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। आप अपने मोबाइल में फोटो लो, फोटो कहीं से डाउनलोड करो कॉपीराइट फ्री, उसके बाद फोटो पे अपना टेक्स्ट लिखो। जैसे इन्होंने टेक्स्ट लिखा, ऐसा मंदिर जिसके आगे पाकिस्तान भी सर झुकाता है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको डाउनलोड नहीं करना है कहीं से, ये मतलब ये फोटो तो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये टेक्स्ट आपको नहीं डाउनलोड करना है भाई, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट डाउनलोड कर ले रहे हो, फोटो भी डाउनलोड कर ले रहे हो और डायरेक्ट म्यूजिक में लगा दे रहे हो, तो भाई आपने क्या अपना इस वीडियो में वैल्यू ऐड किया। YouTube हमें किस चीज़ का पैसे देता है आपको पता है, YouTube हमें इस चीज़ का पैसे देता है जो हम मेहनत करते हैं, जो हम वीडियो क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मेरी फेस है, मेरा सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, मैं अपना इसमें मेहनत अपना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अपना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तब YouTube क्या करेगा, हमारे वीडियो को जेन्युइन मानेगा। आप क्या कर रहे हो भाई, दूसरे का जो भी होता है ना, दूसरे का वीडियो फोटो कहाँ पता ना कहाँ कहाँ से खुरापाती दिमाग लगा के उठा के क्या कर रहे हो, अपने चैनल पे डाल रहे हो। तो भाई आप अगर ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को सुधार दो और 100% आपका चैनल क्या होगा, सही हो जाएगा। एंड गाइस अब सबसे मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट क्या है पता है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, जैसे किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, उस पर आपको बार बार वीडियो सेम टॉपिक पे नहीं बनाना है। अगर सेम टॉपिक पे आप वीडियो बना दे रहे हो तो भाई वो क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव, मतलब जो आप में मतलब अभी पॉलिसी में आया है रिपीटेटिव वही कंटेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइटल है, जैसे आपने कोई वीडियो एक बना लिया, जैसे कुछ भी वीडियो बना लिया कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओ तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का नया तरीका, जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओ तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब अपना आपको क्या करना है, अपना टाइटल बदल बदल के वीडियो बनाना है और आपको सेम थंबनेल नहीं यूज करना है, ठीक है, सेम थंबनेल नहीं यूज करना है। और वीडियो जब भी आप कोई अपना पॉपुलर वीडियो दोबारा बनाने जाओ तो उसमें कुछ गैप दे दो। गैप देने का मतलब यहाँ पे भाई कम से कम 2-3 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है, गैप होना चाहिए। और एक चीज ये नहीं है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई, जैसे शॉर्ट की या लॉन्ग की कोई भी वीडियो वायरल हो गई तो आप लगातार वही वीडियो बनाया जा रहा हो, तो आपको ये गलती नहीं करना है भाई, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जो भी आपको टॉपिक क्या कर रहा है, आपका चैनल, आपके चैनल पे जो भी टॉपिक आपका वायरल जा रहा है, उसमें थोड़ा गैप दे दे के बनाना चाहिए। जैसे मेरे अभी मेरे चैनल पे यहाँ पे रियूज कंटेंट जो है ना, वो टॉपिक बहुत वायरल है, ठीक है, उस पर बहुत सारे भर भर के डेली वीडियो आते हैं, मगर मैं उस पर ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, नहीं तो भाई मेरे पे खुद ही रिपीटेटिव कंटेंट आ जाएगा। आज मैं यहाँ पे मतलब रिपीटेटिव कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे आप जाके ढूंढ लोगे ना तो रिपीटेटिव का ज्यादा वीडियो है ही नहीं। तो आपको
क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, एक एक बार ध्यान से गिनवा दे रहा हूँ। और आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है भाई, ठीक है। अगर आपका सलूशन नहीं हो रहा है तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि नहीं आपको क्या करना है, लास्ट उपाय जो रहेगा आपको वो क्या करना है। तो ध्यान से एक एक चीज सुन लो। आपको दूसरे का वीडियो क्या करना है, नहीं डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करना है। और टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, तीनों चीज क्या करना है आपको सही से चेक कर लेना है, ठीक है। आपको हैशटैग क्या करना है, हैशटैग मिनिमम तो मतलब 15 ही लगाते हैं, तो आप 15 से कम करो कि नहीं, 15 से कम ही लगाओ, मेरे हिसाब से 15 से कम ही लगाओ तो बेटर रहेगा। 15 तो लगा सकते हो मगर 15 से कम लगाओ हैशटैग। और आपका जो होता है टैग, आपका जो वीडियो है उसी से रिलेटेड टैग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखने की शॉर्ट में कोई जरूरत नहीं, आपकी लॉन्ग की वीडियो है तभी आप डिस्क्रिप्शन लिखो, शॉर्ट में तो उतना मायने नहीं रखता। तो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तीनों चीज क्या करना है आपको ध्यान से मतलब लगाना है, ध्यान से समझना है, नहीं तो वहां पे डेटा मेटा का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सेम टाइटल आपको नहीं यूज करना है, ठीक है, सेम टाइटल आपको नहीं यूज करना है। जो आपने एक बार टाइटल यूज किया आपको लाइफ टाइम में कभी भी वो टाइटल यूज नहीं करना, उसको घुमा फिरा के यूज करना है, ठीक है, आगे पीछे करके घुमा फिरा के। जैसे बताया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर बढ़ाने का नया तरीका जब आप नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइबर पर वीडियो बनाओ तब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी मतलब जो भी वीडियो हो, चाहे जिस भी टॉपिक का आपका चैनल हो, सबको ये नियम क्या करना है, सबको फॉलो करना है, नहीं तो भाई आपके चैनल पे यहाँ पे जो है ना रिपीटेटिव कंटेंट आने से कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है, कोई भी नहीं बचा सकता। आपको क्या करना है, यहाँ ये सब चीज सुधार कर लेना है अच्छे से, अपना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ देख के। वहां पे जो अपील वाला ऑप्शन है ना, अपील वाले ऑप्शन पे आपको नहीं क्लिक करना है। अपील वाले ऑप्शन पे जब आपको क्लिक करना, जब आप लगे आप जेन्युइन हो, आपकी कोई भी गलती नहीं है, तब आपको क्या करना है, अपील वाले वीडियो, अपील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको रीअप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद रिपीटेटिव आया है तो 90 दिन का उसमें समय लेगा, वहां पे रीअप्लाई का बटन आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपका नया नया चैनल है, अभी अभी हाल में ही आपने क्या किया मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे 30 दिन का समय लगेगा। 30 दिन के बाद आपका क्या होगा, वहां पे रीअप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, रीअप्लाई का बटन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रीअप्लाई का बटन नहीं आएगा तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी, वो भी आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से क्या कर देना है, आपको रीअप्लाई कर देना है भाई। रीअप्लाई करने के बाद आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा। अगर ये सब प्रोसेस करने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ नहीं घुस रहा है, तो यहां पे बगल में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पे आपको क्या करना है, यहां पे लिंक पे जाके क्लिक करके भाई मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। डीएम करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करके तभी आना भाई। आप ही बताओ ना, मैं इतना मेहनत करता हूं, जब आप मेरा खुद नहीं चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको क्यों सपोर्ट करूंगा। तो भाई मेरा भी आप क्या करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो में, अगर अभी तक आपको जरा भी समझ में आया हो, ठीक है। बाकी अगर आपके चैनल पे रीयूज है तो रीयूज मतलब वही होता है भाई, एक बार जो कंटेंट यूज किया गया उसको दोबारा नहीं यूज करना, वो रीयूज होता है। इसमें मैंने भाई भतेर वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो जाके देख सकते हो, शायद 3-4 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। तो जैसे 3-4 वीडियो जो ये रीयूज वाला है, इसी से माइंड ले लो कि मैंने रीयूज कंटेंट जो भी 3-4 वीडियो बनाया है ना, उसका टाइटल अलग-अलग है। आप जाके चेक कर लेना मेरे चैनल पे, उसका टाइटल, सभी का टाइटल अलग-अलग है। तो आपको यही करना है भाई, सेम टाइटल आपको नहीं यूज करना है। सेम टाइटल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, सेम थंबनेल भी नहीं यूज करना है। तो भाई कोई भी आप काम करो उसको दोबारा नहीं करना है, वही मतलब अगर आप दोबारा कर रहे हो तो वो रिपीटेटिव आ जाता है, ठीक है। आपको दोबारा वो काम करना है मगर घुमा फिरा के वही काम करना है अपने चैनल पर, तो रिपीटेटिव कंटेंट नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी आप समझ गए हो, समझ गए हो तो यार प्लीज यार फिर से बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको जरा भी समझ में आया हो तो। और अगर आपको भाई प्रॉब्लम हो रही है, आप एकदम नए यूट्यूबर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे बेधड़क मुझे डीएम कर देना, मेरा भी आईडी है, फॉलो कर लेना भाई वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे, और यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।